नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। बिहार में 2446 दरोगा की भर्ती चल रही है। 22 मार्च से लड़कों का 22 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक और 3 अप्रैल से 11 अप्रैल तक लड़कियों का फिजिकल गर्दनीबाग हाई स्कूल में चल रहा है। आपको बता दें कि कुछ ऐसे मामले आए हैं जिसमें एक नियम होता है कि अगर आप फिजिकल जो आपका डेट नियत किया गया है, अगर आपके साथ कोई मेडिकल इशू है तो आप एप्लीकेशन देकर उस मेडिकल फिजिकल टेस्ट को आगे की तारीख पर रिक्वेस्ट करते हैं कि आयोग जो है आगे की तारीख पर मेरा फिजिकल कराए। ऐसे उपबंध हैं और ऐसा होता भी है। लेकिन जो ताज़ा मामला इसमें आया है कि कुछ कैंडिडेट ने जो मेडिकल इशू को लेकर उन्होंने अप्लाई किया था और इनकी संख्या जो है, जो कैंडिडेट हैं वही बता रहे हैं कि 1000 के आसपास है, जिन्होंने ये कहा था कि जिस डेट पर इनका रखा गया था फिजिकल का डेट, उस डेट पर ये देने में असक्षम है, कोई मेडिकल इशू है और उसके लिए जो गर्दनीबाग हाई स्कूल है वहाँ एक काउंटर भी बनाया गया जहाँ पर ये एप्लीकेशन जो है रिसीव होते हैं। लेकिन एक मैसेज आता है छात्रों को जो कि आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा और जिसमें दिया हुआ है कि वैसे लोग जिन्होंने अप्लाई किया था मेडिकल के लिए 24 तारीख तक के जो हैं, जो अप्लाई किया था जिन्होंने, और उनका एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका था कि 12 अप्रैल को उनका फिजिकल लिया जाएगा, वो कैंसिल किया जाता है। ऐसे में छात्र जो हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, लगातार हमारे ऑफिस में फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं और दिखाते हैं जो मैसेज उनके पास आया है उसका स्क्रीनशॉट, जो कि आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, वो एडमिट कार्ड भी आ रहा होगा जो 12 अप्रैल के लिए जारी किया गया था। उन्हें ये डर हो गया कि उनका लग रहा है कि अब फिजिकल लिया ही नहीं जाएगा, यानी वो जो है बिना परीक्षा दिए ही परीक्षा से बाहर हो गए। ऐसे में हम भी गए आयोग ऑफिस, हालांकि आयोग ऑफिस पहुंचने पर वहां पता चला कि जितने भी अधिकारी हैं जो बीपीएसएससी के जुड़े हुए, वो सारे गर्दनीबाग हाई स्कूल में जो फिजिकल चल रहा है वहाँ पर मौजूद हैं। हमने पूछा उनसे कि ऐसे ऐसे मैसेज आ रहा है और छात्रों में ये भय की स्थिति बन गई है, एक डर बन गया है कि क्या उनका फिजिकल लिया ही नहीं जाएगा, तो इस पर जो है जवाब दिया उन्होंने, जो वहाँ पर छोटे कर्मचारी जो थे जो बाहर रहते हैं, उन्होंने कहा कि ऐसी बातें नहीं हैं कि उनका फिजिकल नहीं लिया जाएगा, फिजिकल उनका लिया जाएगा और इसके बारे में विस्तृत जानकारी जो है वो 10 तारीख तक आ जाएगी। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको ये नहीं सोचना है कि आपको बाहर कर दिया गया है। ये हो सकता है किसी टेक्निकल कारण के चलते या कोई और वजह हो उसके चलते जो है वो 12 तारीख को कैंसिल किया गया हो, हो सकता है कि 14, 15 या जब भी आयोग डेट रखे उस समय ये आपका फिजिकल लिया जाए। आपको बता दें कि ऐसे प्रोविज़न जो है वो हर एक एग्जाम में होते हैं, खासकर इंटरव्यू में फिजिकल जो है उसमें बीपीएससी यूपीएससी के इंटरव्यू में ये प्रोविज़न किए जाते हैं कि अगर आप किसी खास डेट पर इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं, इनकेस आपका कोई परीक्षा हो या फिर आपका किसी दूसरे एग्जाम का जो डेट है वो एक दूसरे से टैली करता है, या आप बीपीएससी के इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं और यूपीएससी का भी इंटरव्यू आपका उसी दिन है, तो ऐसे में जो आयोग है वो आपके इंटरव्यू को अंतिम दिन या उसके बाद डेट रखती है, जिसमें सारे वैसे कैंडिडेट जो कि अपने विभिन्न तारीखों पर ऐसा नहीं कर पाए थे, इंटरव्यू देने में असक्षम थे, उनको उस दिन इंटरव्यू दिलाया जाता है। वैसे ही बिहार दरोगा में भी जो 1717 हुआ उसमें भी ऐसा हुआ कि बहुत सारे कैंडिडेट को मेडिकल इशू था, कितनों की तबीयत खराब थी या कोई इलाज चल रहा था या फिर वो अनफिट थे जिससे उनको लगता था कि हम परफॉर्मेंस अपना नहीं दे पाएंगे, और डॉक्टर से जो उनका जो प्रिस्क्रिप्शन होता है वो और उसके सारे सबूत जो जमा करते हैं जिनसे ये पता चलता है कि हाँ सच में ये जो कैंडिडेट हैं ये इस तारीख तक फिट नहीं है, इनके साथ मेडिकल इशू है, ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, उसके लिए अलग से डेट रखा जाता है और डेट रखा भी गया था 12 अप्रैल को। लेकिन जैसे ही ये मैसेज सब आया, जो कैंडिडेट हैं जो दौड़ने वाले हैं उनका ये कहना है कि हमारा तो फिजिकल का डेट भी निकल गया और ऐसे में अगर हमारी फिजिकल नहीं होती है तो हम इस तरह भी बाहर हो जाते हैं। तो उनको हम बता दें कि हमने जो पता किया है, हालाँकि जब तक अधिकारी नहीं बताते हैं तब तक इसे पूरी तरह से सही या सटीक नहीं माना जाएगा, लेकिन जो वहाँ के कर्मचारियों ने बताया, उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है कि आपने रिक्वेस्ट दिया हो और वो एक्सेप्ट हो गया हो उसके बाद आपको मौका ना दिया जाए, दिया जरूर जाएगा। 10 तारीख को, 10 अप्रैल को इसके बारे में आपको सूचना दी जा सकती है। तो इंतज़ार करें, धैर्य रखें, अगर आपको लगता है कि नहीं
मुझे खुद जाना चाहिए, बात करना चाहिए, तो आप आयोग पहुंचे, वहां पर आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपके जो परीक्षा है जो 12 अप्रैल को जो नियत किया गया था फिजिकल का 2446 दरोगा के लिए, वो कब लिया जाएगा। तो ये अपडेट है, मैं खुद गया था BPSSC ऑफिस और वहाँ पर बात किया हमने वहाँ के कर्मचारी जो थे उनसे। हालांकि जो बड़े अधिकारी थे जो OSD थे वो सारे लोग गर्दनीबाग हाई स्कूल में फिजिकल के दौरान वहाँ बिजी हैं, व्यस्त हैं और 11 तारीख तक वहीं रहेंगे, ज़्यादातर समय उनका वहीं बीतेगा। तो धैर्य रखें, ज़्यादा व्याकुल ना हो और आप फिजिकल की तैयारी करते रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप फिजिकल निकालें और अंतिम रूप से मेरिट लिस्ट में आएँ, बिहार में दरोगा बने। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।